मॉडल हमारे सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की सापेक्ष गति को दर्शाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जैसा कि आप मॉडल में देख सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य के जितना करीब होगा वह उतनी ही तेजी से गति करेगा। यह उस ग्रह पर लगने वाले सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह बल सूर्य के नजदीक के ग्रहों पर बहुत ज्यादा होता है। ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कमजोर या कम होगा और ग्रह की अपनी कक्षा में गति उतनी ही धीमी होगी। ग्रहों की सूर्य के चारों ओर अलग अलग गति से परिक्रमा के कारण ही हम विभिन्न खगोलीय घटनाओं को देख पाते हैं। आइए हम मंगल की रेट्रोग्रेड गति को देखें। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर लेती है तब मंगल अपनी परिक्रमा का केवल आधे से अधिक भाग ही पूरा कर पाता है। इस बिंदु पर मंगल और सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं, तो इसे विज्ञान की भाषा में मार्स एट अपोजिशन कहा जाता है। विपरीत दिशा में होने पर किसी ग्रह का निरीक्षण करना और भी आसान हो जाता है क्योंकि यह उस समय पृथ्वी के सबसे करीब होता है और रात भर दिखाई देता है। इसी दौरान एक और दिलचस्प घटना भी घटती है जिसमें मंगल ग्रह रेट्रोग्रेड गति प्रदर्शित करता है। आइए इसे मॉडल की मदद से समझें। हम इस बने हुए मॉडल को और आसान बनाते हैं। इन भुजाओं को एल्यूमिनियम पाइप के साथ और आगे बढ़ा देते हैं। इन पाइपों पर दो ग्रह पृथ्वी तथा मंगल रहेंगे। इस काले रंग के कनेक्टर में दो छेद हैं। यह सीधे छिद्र के चारों ओर आसानी से घूम पाएगा। यह लंबी छड़ क्षैतिज छेद के माध्यम से आसानी से फिसल सकती है। यह मंगल ग्रह का कनेक्टर है। हम स्लाइडर पर टेप चिपका देंगे ताकि वह इधर उधर ना हिले। पृथ्वी को पकड़े हुए कनेक्टर में स्लाइडर स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। दोनों ग्रह अपनी सापेक्ष गति से घूम रहे हैं। हम सामने की तरफ एक लेजर पॉइंटर लगा देंगे जिससे पृथ्वी से दिखने वाली मंगल ग्रह की गति का पता लगाने में मदद मिलेगी। प्लास्टिक की बोतल जरूरत पड़ने पर लेजर के स्विच को दबाए रखेगी। चलो कागज से बने इन तारों से आसमान को सजाते हैं। इन तारों से भरे आसमान में हम मंगल की गति को आसानी से देख सकते हैं। ऊपरी बाएं कोने पर यह छोटा फ्रेम दृश्य को ऊपर से दिखा रहा है और यह मुख्य फ्रेम सामने का दृश्य दिखा रहा है। अभी पृथ्वी से दिखने वाला मंगल ग्रह का रास्ता दाएं से बाएं की तरफ है।
इस बिंदु पर यह अपनी बाईं ओर की गति को रोक देता है। अब यह बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहा है और यहां दाईं ओर की गति का आखिरी बिंदु है। इस बिंदु के बाद यह फिर से दाएं से बाएं की ओर गति शुरू कर देता है। जैसा कि आप छोटे फ्रेम में देख सकते हैं कि मंगल की वास्तविक गति हमेशा एक ही दिशा में होती है, लेकिन पृथ्वी और मंगल की स्थिति और गति में बदलाव के कारण यह पीछे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ग्रह की इस उल्टी गति को वक्री गति के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। इसमें तारीख 14 अगस्त 2022 सेट की गई है। बाईं ओर ग्रहों को अपनी कक्षाओं में घूमते हुए देखा जा सकता है। दाहिनी ओर मंगल ग्रह जैसा पृथ्वी से आकाश में दिखाई देता है वैसा ही दिखाया गया है। यदि आप हर रात एक ही समय पर पूर्वी आकाश में देखें और ध्यान दें कि तारों के तारामंडल की तुलना में मंगल ग्रह कहाँ दिखाई देता है, तो आप प्रत्येक दृश्य के साथ ग्रह को पूर्व की ओर पाएंगे। अर्थात मंगल एक रात से दूसरी रात तक पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। 30 अक्टूबर 2022 से हर रात मंगल की स्थिति की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर बदलती हुई प्रतीत हो रही है। यह सिर्फ एक भ्रम है और इसका कारण उस गति को माना जा सकता है जिस गति से मंगल और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 12 जनवरी 2023 से सामान्य गति देखी जा सकती है। यह भ्रम बृहस्पति और पृथ्वी की बाहरी कक्षा में मौजूद अन्य ग्रहों के साथ भी होता है। इस उल्टी चाल को दर्शाने के लिए यदि एक पैटर्न बनाया जाए तो वो हर बार एक जैसा नहीं होगा। ये पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह के अवसरों पर देखे गए कुछ पैटर्न हैं। हम अगले वीडियो में ऐसी और घटनाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।